गाइज वेलकम टू माई चैनल सना व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल, और मैं आ गई हूँ आपसे दोबारा बातें करने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर लीजिए, मैं तो आ जाती हूँ हमेशा आप लोगों से बातें करने के लिए। अगर वीडियो स्किप करते हो तो बहुत गलत काम करते हो सच में। तो अभी ये देखो मेहंदी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने अभी क्या हो गया पता नहीं, मैंने अभी लगाई, अभी मतलब 3:30 बजे के करीब लगाई है, और ये सूख गई थी ना तो ये मैंने हटा दी, क्योंकि वैसे भी नीचे जाना है, काम करना है। अरे भाई मेरा हाथ टेढ़ा हो गया है, तो ये बैक में ऐसे लगाई है, मुझे ऐसी ही आती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, बस हाँ हाथ लाल हो जाते हैं ऐसी आती है, बहुत अच्छी वाली परफेक्ट वाली नहीं आती है। कैसे आशीर्वाद दे रही हूँ क्या मैं। और पैरों में भी लगाई है मैंने, वो भी मतलब सड़ी सी लगाई है, बट हाँ ठीक है, खुद ऐसी आती है मुझे। मतलब शुरू से कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा मेहंदी में, तो बस ठीक है यार, ठीक है। तो बस आज है, डे नहीं बताया ना मैंने, आज है, हमेशा मैं भूल जाती हूँ आज है मंडे। यस आज है मंडे, सोमवार है आज, जो मंडे है सोमवार है वो लास्ट सोमवार है सावन का। तो आज तारीख है 12 तारीख है, जी हाँ आज है 12 तारीख, सोमवार है, शाम के बज रहे हैं 5:30, और ये मेकअप मेरा दिन वाला ही है, मतलब शायद 2 बजे के आसपास किया था। तो अब मेरा मूड नहीं है दोबारा से फेस वॉश करो, दोबारा लीपा पोती करो, तो अभी हम चलेंगे नीचे। आज मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि मंडे था, तो बस वही है, मैंने खोले नहीं है दोबारा से, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो ये आगे बार बार में मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो बस अभी थोड़ी देर में चलेंगे नीचे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो बाय बाय, एंड कुछ नहीं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बाय बाय, आ गई हूँ किचन में, और देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ जिससे मेरी मेहंदी ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई। एक सेकेंड, ये देखो कड़ी बना रही हूँ, ना तो कोई सब्ज़ी धोनी पड़ी ना हाथ धोने पड़े बस दही डाला, मिलाया, चढ़ा दिया, अब बनेगी पकौड़ी, डालनी है बाद में, तो तब वॉश कर लूँगी, हैंड क्या फ़र्क पड़ता है ना। मैं सोच रही थी कि है ना मटर पनीर बनाए, क्योंकि मटर रखी है और शिमला मिर्च रखी है, और मम्मी जी कल गाँव चली जाएंगी, मतलब कि राजस्थान, बट मैंने बोला मम्मी कह रही नहीं मुझे कड़ी खानी है, मैंने कहा चलो ठीक है कड़ी बना लेते हैं। तो बस इसीलिए इतनी सी बना रहे हैं, मतलब हाफ है ये, और कम हो जाएगी बनते बनते, आपको पता ही है। तो चलो टिल देन बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए गाइस मेरी कड़ी में उबाल आ गया था, तो मैंने गैस को कम कर दिया, देन उसके बाद मैंने सोचा फटाफट से पहले मैं बर्तन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए दिन के बर्तन धुले हुए रखे थे, आज मैंने पहले नहीं लगाए थे, क्योंकि आते ही मैं कड़ी बनाने लग गई, क्योंकि मम्मी ने बोला कि कड़ी बना लो इसीलिए, नहीं तो मैं पहला काम होता है मेरा आते ही कि स्लैब पे बर्तन वगैरह होते हैं दिन के धुले हुए, उनको मैं लगाती हूँ। आज मैं लेट हो गई, तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैं अब लहसुन निकाल रही हूँ और प्याज कट कर लूँगी, इसी बीच में लहसुन छील लूँगी। मैं लहसुन का तड़का लगाती हूँ कड़ी में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए थे और लहसुन भी कट करके रख लिया है, क्योंकि पकौड़ियाँ तलने के तुरंत बाद ही हम फटाफट से छौंक लगा देते हैं उसी तेल में इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, हल्दी मिर्च नमक जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डालकर मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और आज पता नहीं क्यों बेसन में लम्प्स हो रहे थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि लम्प्स होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं उन्हें ही हटा रही थी। और मैंने सिर्फ 2 ही प्याज लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो 2 प्याज के ही मैं पकोड़े बनाऊंगी। कुछ मैंने रख लिए थे खाने के लिए और कुछ मैंने इसमें डाल दिए थे कड़ी में। तो बस यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ तल लूँगी फटाफट से, देन उसके बाद मेरी कड़ी रेडी हो जाएगी। और हमें ज़्यादातर प्याज के ही पकौड़े अच्छी लगती हैं, मेरे हस्बैंड को तो आलू की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं मोस्टली प्याज की ही बनाती हूँ। तो बस बीच बीच में मैं इसी तरीके से काम करती रहती हूँ, और मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, मुझे चम्मच से डालना अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों, तो मैं हाथ से ही पकौड़ियाँ डालती हूँ। आप लोग किस से डालते हो बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ तल चुकी हैं, उसके बाद मैंने ज़ीरा और लहसुन कट करके रखे थे उसका मैं तड़का लगा रही हूँ, और बहुत टेस्टी यम्मी बनी थी मेरी कड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो यहाँ पे मेरी कढ़ी बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं हैंड वॉश कर रही हूँ। नहीं नमक ज़्यादा था ना, कोई बात नहीं, चल रहा तो नहीं, ज़्यादा नमक है, मुझे दे दो दे दो दे दो, तुम्हें वो हो जाएगा, नमक ज़्यादा होने से क्या हो, इतनी सी नहीं, तुमने खिलाई है कभी मुझे? अब देख कितने खराब है ये लास्ट पकौड़ी है, मांगेंगे तो नहीं, नमक ज़्यादा बोलेंगे ना, गया मैं दोबारा खिलाऊंगी नहीं बच्चा, अब बताओ नमक ज़्यादा था, बेकार पत्तियाँ हुए झेल लेती हूँ पर मैं। आज मेरा फायदा हो गया, देखो मेरी मेहंदी अच्छी है, सच बताओ, और ये कौन सी अच्छी है, आगे वाली पीछे वाली, आगे वाली अच्छी है, क्यों पीछे वाली अच्छी नहीं है? आज कोई भी नहीं है घर में, चाचा जी और जाएगी मम्मी, पापा भी जाएंगे, पापा भी जाएंगे, हम कब दोनों भी कल ही चले जाते, नहीं ये ऐसे बोल रहे थे, हमें जल्दी जाना है गांव। तो बस हम वहां पर बैठे ही थे कि हस्बैंड जी बोले कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो बस यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, तो बस यहाँ पर चाय बना रही थी और एक साइड में ब्रेड सेक रही थी, और हम मोस्टली तवे पर ही ब्रेड सेकते हैं, अच्छी लगती है थोड़ी कुरकुरी टाइप की। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी ब्रेड सेक रही हूँ और एक साइड में मेरी बन रही थी चाय, और कढ़ी बना ली है मैंने यहाँ पर, और आज तो मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं किए हैं, बस ये आए तो हम बैठ गए फिर और बातें करने लगे, तो यहाँ पर मैं सामने ही इन्हीं से बातें कर रही हूँ, और मुझे चाय नहीं पीनी थी इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैंने घी का डब्बा उतारा था कि घी लगा देती हूँ ब्रेड पर, तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे घी नहीं लगवाना, मुझे ऐसे ही प्लेन ब्रेड चाहिए, मुझे घी लगवा के नहीं खानी है। तो बस यहाँ पे मैं इनकी चाय डाल रही हूँ, और यहाँ पे हमने चाय डाल ली है, और थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैंने सोचा वेस्ट जाएगी इसीलिए मैंने अपने लिए डाल ली कटोरी में, आप लोग पी के देखना कटोरी में चाय अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी सच में, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा चेंज करना लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, छोटी छोटी खुशी में हमें खुशी मिलती है, मेरा कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों में हमें खुशी मिलती है, तो बस वही है। तो यहाँ पे मैं, मेरी चाय इस बीच में ठंडी हो चुकी थी तो मैंने अपनी चाय भी इंजॉय की और मैंने ब्रेड नहीं खाई, अदरवाइज़ फिर मेरा डिनर जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाता, और इन्हीं इसी के चलते इन्होंने रात में बहुत कम खाना खाया था, क्योंकि इस टाइम पे हम खा लेते हैं शायद 7:30 के करीब हो रहा था, इस टाइम पे अगर हम कुछ खा लेते हैं तो फिर बाद में भूख नहीं लगती है, और डिनर हम बहुत कम करते हैं, और चाय तो हमें इस टाइम पे कभी भी नहीं पीनी चाहिए 7:30 बजे के करीब या डिनर से आधा एक घंटा पहले, क्योंकि फिर हम खाना बहुत कम खाते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं और अपनी कुछ बातें कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर मेरी चाय फिनिश हो चुकी है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में। तो किचन में आने के बाद यहाँ पर मेरे बर्तन भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे क्योंकि मैंने बर्तन एक बार भी क्लीन नहीं किए बीच में, तो बस जो बर्तन इधर उधर फैले हुए थे बस वही मैंने इकट्ठे किए हैं, और यहाँ पर आज मैंने बीच में एक बार भी बर्तन क्लीन नहीं किए, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये आ गए थे बीच में और फिर हम बैठ गए बातें करने लग गए, फिर उन्होंने बोला कि चलो चाय बना दो, तो फिर चाय बनाने लग गई मैं, तो फिर बैठ गई, और आज इतना ज़्यादा काम भी नहीं था क्योंकि मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड जी ही थे, और पापा जी कहीं काम से गए हुए हैं तो वो अभी आए नहीं थे, तो इसीलिए हम रिलैक्स होकर के बैठे थे कि खाना तो हमें बाद में ही बनाना है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपने सारे बर्तन क्लीन कर दूँगी, और बर्तन भी आज थोड़े से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चाय के भी बर्तन थे और थोड़े बहुत ऐसे हो जाते हैं, पकौड़ियाँ भी बनाई थी और पकौड़ियाँ भी खाई भी थी, और प्लेट वगैरह काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, हम थोड़े थोड़े बर्तन करते हैं तब भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं।
तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपने बर्तन क्लीन कर दूँगी। और आटा भी आज मैंने नहीं गूँथा है, तो बस कढ़ी बनाकर रख दी है। और अब हम चावल बहुत कम खाते हैं, बहुत रेयरली खाते हैं, क्योंकि डिनर में चावल स्किप कर देने चाहिए। अगर आपको खाने हैं, आपको पसंद है, तो आप दिन में खा सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। देन उसके बाद हमने पापा जी के पास कॉल की, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, 15-20 मिनट बाद आऊँगा, मतलब टाइम लगेगा। तो इस मैंने सोचा फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ और फिर थोड़ी देर में ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि पापा जी को आते ही खाना चाहिए होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए सब्ज़ी तो मेरी बन ही चुकी थी, तो फटाफट यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी। और आज बहुत कम मैंने आटा गूँथा था, क्योंकि दिन का भी 2-3 रोटी का रखा हुआ था, तो इसीलिए। तो बस इसी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद। और बीच में यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है वो उसकी बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए मैं बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद हमने खाना खा लिया, पापा जी और मम्मी जी जा चुके हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है, हस्बैंड जी ने भी खा लिया है, तो बाकी सारे बर्तन क्लीन कर दिए। तो इस तरीके से मेरा सारा काम फिनिश हो गया आज का। और ये पता नहीं क्यों, एंड आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बस इसी तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ, अपने सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं गैस वगैरह को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट में एक बार क्लीनिंग कर देनी चाहिए। जब मैं रोटी बनाती हूँ उसके बाद में मैं सूखे कपड़े से एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि एक बार सूखे कपड़े से हमें क्लीन कर देना चाहिए। देन उसके बाद मैं लास्ट में जो क्लीनिंग होती है वो मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ पूरी किचन को, गैस को, स्लैब को, सब कुछ को। तो बस यहाँ पे मेरी किचन क्लीन भी हो चुकी है। गाइस तो अभी टाइम हो रहा है, टाइम 10 बजने में अभी 7-8 मिनट ऐसे कुछ हैं, तो सॉरी, तो अभी 10 बजने में 5-7 मिनट है ऐसे ही कुछ है। और अभी हम ही नीचे हैं, क्या बोलती जा रही हूँ मैं, अभी हम नीचे ही हैं और अभी पापा और मम्मी जी बाहर गए हैं घूमने के लिए। पापा जी हमेशा रोज़ जाते हैं खाना खाने के बाद, थोड़ी देर वॉक करने जाते हैं, बट आज मम्मी को भी ले गई कि चलो तुम भी चलो। तो बस मैं अभी अंदर आके बैठ गई और हस्बैंड जी बैठे हैं बाहर वाले बेड पे और बस अपना फ़ोन चला रहे हैं। हमारी अभी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, लड़ाई नहीं ऐसे ही छोटी मोटी बहस, और अभी आ रहे हैं, बट मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है। मोटर चलाई थी तो कह रहे मैं मोटर बंद करके आता हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो बस वो मोटर बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब मैं कुंडी खोल गए वो, तो मैं दरवाज़ा लगा दूँ ना, पता चले मैं इस हाल में ऐसे बैठी रहूँ, मेरे ससुर जी आ जाए। चलो आ जाएंगे थोड़ी देर में, चलो भैया हम ऐसे रहते नहीं है ना। अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने दुपट्टा उतार के रख दिया था मैंने, और कूलर चल रही है ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ी कम आवाज़ आ रही होगी। और ये देखो गणेश जी बहुत सुंदर लगते हैं, और इधर देखो हमेशा इंडियंस वाली हैबिट होती है, टॉवल हमेशा गेट पे मिलता है आप लोगों को मोस्टली घरों में, और हमारा भी घर मिडिल क्लास फैमिली वाला घर है। तो बस मुझे ऐसे डर लगता है पापा आ जाए, पापा आ जाए, मैं कुंडी लगा देती हूँ वहाँ, एक मिनट। हाँ तो मैंने लगा दी है, अंदर ही चलते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, अब नीचे नहीं बोलेंगे, अब जाएंगे ऊपर, अब फ्री हो जाते हैं ना, फिर ऐसे पापा आ जाए एकदम से, मैं ऐसे फ़ोन में लगी रहूँ ये गाइस वो गाइस, बोलेंगे तो कुछ नहीं, बट हमारे में घूंघट करते हैं ना, तो अपने आप से होनी चाहिए ये वाली चीज़ें, मतलब हर एक चीज़, मतलब सामने वाला बोल के करे तो वो अच्छी बात नहीं होती है ना। और मुझे अपने आप से ही डर लगता रहता है कि पापा जी आ जाएंगे, पापा जी आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पापा से बोलती नहीं हूँ, मैं बात करती हूँ, बट बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, कुछ अर्जेंट काम होगा तो बोलेंगे, और मैं भी तभी बोलती हूँ हाँ पापा जी ये जैसे खाना देना है तो बोल रहे हैं, हाँ
पापा जी ये बनाया है खा लीजिए, कुछ भी ऐसे ही मतलब, या कुछ पूछेंगे ये कहाँ है वो कहाँ, मतलब मेरे हस्बैंड कहाँ है या सुनील जी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, या कुछ और ऐसा जो सिर्फ मुझे पता हो, बस इतनी सी बातें होती हैं हमारे में, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। तो बस आज का दिन आप लोगों को कैसा लगा हमारा मुझे ज़रूर बताइएगा, आज का दिन आए हो पसंद आया हो, बट ओके बाय, शायद कोई आ गया हमारा।